आप अपने बच्चों को हिंदी में जब भी बेस स्टार्ट करते हैं तो वर्णमाला को किस तरीके से पढ़ाते हैं, कैसे बच्चों को बताते हैं, अ आ के बारे में कैसे बताते हैं, क ख ग घ ङ के बारे में कैसे बताते हैं। काफ़ी सारे पेरेंट्स को मैंने ये देखा हुआ है कि वो हिंदी में अ आ ये सब पढ़ाएंगे लेकिन बच्चों को सही जानकारी नहीं देते हैं। अब जैसे बच्चे से कोई पूछा कि चलो बताओ स्वर क्या होता है, तो बच्चा कन्फ्यूज। अब उसको तो बताया गया सिर्फ अ हिंदी में, तो बच्चा ये कंफ्यूज रहेगा कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। स्कूल में भी काफ़ी सारे मैं देखती हूँ कि ये नहीं बताया जाता है। जैसे शुरू से ही बच्चों को जो भी जानकारी दी जाए हिंदी वर्णमाला का बेस किसी भी चीज़ का, चाहे वो काउंटिंग नंबर हो चाहे अल्फ़ाबेट हो, तो उसमें ये बताना चाहिए कि आपका स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। जब बच्चों को आप स्टार्ट करते हो कोई भी चीज़ पढ़ाने के लिए, तो बच्चा भले ही उस चीज़ को बहुत देर में समझे, लेकिन आपको चाहे वो उच्चारण हो किसी चीज़ का, चाहे फिर या फिर किसी भी चीज़ का बेस हो, आपको सही जानकारी देनी चाहिए। तो जैसे कि आप हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ग्रीन टी। आज मैं आपसे यही बात करने वाली हूँ कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसको हिंदी कैसे स्टार्ट करते हो पढ़ाने के लिए, और हिंदी कैसे उसको आप हिंदी में वर्णमाला को पढ़ाना शुरू करते हो या कर रहे हो या करने जा रहे हो, तो कैसे आपको करना है, इस चीज़ के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी, बहुत बड़े बच्चों से अगर आप पूछो, क्लास 4th 5th के बच्चों से ही अगर आप पूछ लो कि वर्णमाला में स्वर क्या होता है, तो बच्चा कन्फ्यूज रहता है क्योंकि उसको ये नहीं पता है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता रहता कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। बहुत बच्चों को पता भी रहता है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को जिसके ऊपर शुरू से नहीं ध्यान दिया जाता है, तो वो बच्चे इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करते हुए हिंदी पे उतना जोर नहीं देते हैं। लेकिन पेरेंट्स का काम है कि अगर आप बच्चे को समय दे के पढ़ा रहे हो, या फिर आपका बच्चा प्ले स्कूल या प्री स्कूल में नहीं जा रहा है, तब भी आप बुक्स मंगा के बच्चे का पढ़ाना, रीडिंग या ओरल पढ़ा रहे हो, तो बच्चे को जो भी चीज़ें आप बताते हो वो सही जानकारी दीजिए। जैसे कि अगर आपका बच्चा 3 ईयर्स का हो गया है और आप उसको ओरल में पढ़ा रहे हो या फिर प्री स्कूल या प्ले स्कूल में भेज रहे हो, तो आप हिंदी में वर्णमाला का बुक मंगाते हो अ से लेके, जैसे कि मैंने मंगा रखा है इसमें स्वर का बुक। हिंदी वर्णमाला में देखिए स्वर लिखा हुआ, इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है, इसमें अ से लेके अह तक दिया हुआ है। तो अब जैसे आपको सिर्फ यही नहीं याद कराना है बच्चे को कि हिंदी में चलो अ आ इ ऊ उच्चारण भी हमेशा बच्चों को सही देना चाहिए, और जब तक कि बच्चा उसको सही तरीके से बोल ना ले, तब तक आपको पेशेंस रखते हुए बच्चे को डेली पढ़ाना है। आधे घंटे, 15 मिनट, जो भी आपको समय मिलता है, थोड़े देर ही बच्चों को टाइम दीजिए, क्योंकि अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, उनका दिन भर उनको खेलने कूदने और फिजिकल एक्टिविटी करने दीजिए, लेकिन 15 मिनट बच्चों को लेके बैठिए और हिंदी अल्फ़ाबेट या जो भी आप राइम्स वगैरह जो भी बताते हो, तो वो सही, जब तक बच्चा अपने मुंह से प्रोनाउंसिएशन उसका सही ना कर ले, तब तक आपको लगे रहना है। जैसे हिंदी में बहुत बच्चे जो होते हैं वो स्वर या व्यंजन सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं, तो तब तक आपको लगे रहना है जब तक कि बच्चा सही आवाज़ निकाल ना ले। तो जब मैंने अपने बेबी को पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैंने बुक्स मंगाई हिंदी वर्णमाला में स्वर का, क्योंकि अभी एक साथ तो बच्चा ये थोड़ी ना है कि क से लेके ज्ञ तक। हाँ, ओरल में मैं पढ़ाती हूँ, टीवी में भी वो देखता है कि क ख ग घ ङ के बारे में, क से कबूतर, ख से खरगोश, ये सब जानता है, लेकिन बच्चे को पहले बेस शुरू करना चाहिए। बेस में क्या आता है? स्वर। तो आपको जब भी बच्चे को पढ़ाना है तो आपको कैसे बताना है, वर्णमाला हिंदी में वर्णमाला, चलो स्वर पढ़ाते हैं, स्वर में क्या क्या आता है, अ आ इ ऊ। 15 मिनट लेके आप बच्चे को ये समझाइए, और इसमें देखिए, और बच्चों को इस तरीके से हमेशा पढ़ाना चाहिए कि जैसे अक्षर दिखा के, बुक्स दिखा के पढ़ाइए बच्चों को, तो इससे बच्चों का जो है ना वो अट्रैक्शन भी बढ़ेगा कि हाँ अ से अनार होता है, तो बच्चा अक्षर को भी पहचानेगा। आप जैसे कभी आप मान लो लगातार 4-5 दिन बच्चे को अक्षर दिखा के पढ़ाए, उसके बाद से फिर कभी ऐसे ही कहीं पे आप अ बनाइए, फिर पूछिए ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो वो बोलेगा नहीं कुछ बोल पाएगा, अ तो बताएगा अनार, अ से अनार, मतलब मैं पूछूंगी ये क्या है, नहीं बता पाया अ। लेकिन अगर आप बच्चा ये समझ रहा है कि इसके मीन्स अनार होता है, तो वो बोलेगा अनार,
तो जो फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स बच्चों को बहुत पसंद होता है खाना या फिर फ्रूट्स से लगाव होता है, तो बच्चे बताएंगे अनार, यानी और नहीं बता पाया तो अनार बताएगा। यानी अक्षर अक्षर बच्चों को दिखा के ही पढ़ाना चाहिए, इससे बच्चों को अक्षर की पहचान होती है, साथ में बच्चे का अट्रैक्शन भी बनता है और बच्चे अक्षर को तब सही तरीके से पहचान पाते हैं। बच्चे अगर जब ट्रेसिंग करते भी हैं, ट्रेसिंग करना सीख रहे हैं या फिर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मेरी बेबी को अ बनाने आते, तो बच्चों को हमेशा आपको ये बताना चाहिए कि लिखते समय हमेशा वो बोल बोल के लिखें। जैसे बच्चा अगर अ बना रहा है तो बोले अ से अनार, तो इससे बच्चे को लिखने भी आएगा और उस अक्षर की पहचान भी होगी और फिर वो जल्दी ही याद भी कर लेगा कि अ से अनार होता है। अब कई स्कूलों में ये बताया जाता है, उच्चारण गलत बताए जाते हैं या फिर री को छोड़ दिया जाता है, जैसे अ से लेके अह तक पढ़ाते हैं टीचर, तो इस तरीके से पढ़ाएंगे अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह, री को छोड़ दिए तो बच्चा अब कंफ्यूज। अब घर पे अगर पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, अब री पढ़ा रहे हैं, तो उसके दिमाग में कई सारी चीज़ें चलती हैं। तो इस चीज़ को आपको स्कूल में बात करना चाहिए या क्लियर करना चाहिए कि बच्चे को स्वर से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाए और साथ में जब भी वर्ड माला पढ़ाया जाए तो ये बताया जाए कि स्वर अ आ इ ई जो क्या है, स्वर है, तो इससे बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा और शुरू से उसके माइंड में ये चीज़ें सेट रहेंगी कि स्वर जो होता है वो अ आ इ ई उ ऊ होता है। और फिर व्यंजन जब आप पढ़ाइए क ख ङ ङ, तो फिर बच्चे को बताइए कि ये व्यंजन है। व्यंजन अब ये तो नहीं आप बता सकते हो कि व्यंजन कितने होते हैं, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें, जैसे जैसे बच्चे बड़े क्लास में जाते हैं फर्स्ट सेकंड, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। लेकिन अभी सिर्फ बच्चे को आपको ये बताना है कि स्वर जो है वो अ आ इ ई होता है और व्यंजन क ख ग घ ङ होता है। तो आप बच्चे को जब क ख ग पढ़ा रहे हैं तो आपको ये बताना चाहिए कि वर्णमाला में अब हमें क्या पढ़ना है, व्यंजन, और व्यंजन क्या है, क ख ग घ ङ। तो आप जब पूछोगे चलो व्यंजन सुनाओ, तो बच्चा आराम से सुनाएगा क ख ग ङ च च ञ, या क से कबूतर, ख से खरगोश, वो भी आपको अक्षर दिखा के ही पढ़ाना है। जब भी आप अक्षर से बच्चों को पढ़ाओगे दिखा के कि इसके मीन्स ये होता है, तो बच्चों का जो है वो जल्दी अट्रैक्शन उस चीज़ पे होता है और बच्चे जल्दी ही फिर वर्णमाला में स्वर या व्यंजन को पहचान लेते हैं। या फिर अल्फ़ाबेट ही आप पढ़ाओ तो ए फॉर एप्पल, ए की पहचान। कई बार ऐसा होता है कि आप ओरल में पूछते हो, बच्चा बता ले रहा है, और अगर आप रिटेन में बनाते हो कोई भी अल्फ़ाबेट तो बच्चा उसको पहचान नहीं पाता है। तो ऐसे में इसीलिए जब भी बच्चों को आप पढ़ाओ तो आपको अक्षर पे फोकस करके तब आपको पढ़ाना है, जिससे बच्चों को अक्षर की पहचान हो। और कभी भी आप फुर्सत में हो तो अक्षर बनाइए और बच्चे से पूछिए कि ये क्या है, इसके मीन्स क्या होता है, तो बच्चे जो हैं उस चीज़ पे ध्यान देंगे और पढ़ेंगे भी। तो आज का मेरा वीडियो यही था कि आप बच्चों को जब भी हिंदी पढ़ाएं, बेस स्टार्ट जो होता है उसको क्लियर करके पढ़ाएं बच्चों को, सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे ही बच्चे भले ही थोड़ी देर में समझेगा, भले ही कुछ दिन उसको लगेंगे, लेकिन वो ये समझेगा कि स्वर जो होता है वो अ ही होता है। तो जब भी बच्चों को हिंदी में वर्णमाला आप पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, बेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बच्चों को ये जानकारी ज़रूर दें कि स्वर और व्यंजन अलग अलग होते हैं, स्वर जो होता है वो अ आ होता है और व्यंजन जो होता है वो क ख ग घ ङ होता है। तो आज का वीडियो यही, जब भी आपको बच्चों को अपना हिंदी या पढ़ाना स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पहले आप स्वर की बुक लीजिए या फिर उसमें स्वर व्यंजन दोनों हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को जब भी पढ़ाइए तो स्वर के बारे में अलग बताइए, व्यंजन के बारे में अलग बताइए, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। अगर आप कहेंगे चलो हिंदी में कुछ सुनाओ तो बच्चा अ सुना देगा, क ख ग के बारे में नहीं पता रहेगा उसको, तो इसलिए उसको स्वर व्यंजन दोनों में डिफरेंस करते हुए आपको पढ़ाना है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, जिनके भी बच्चे छोटे हैं उनके साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए ताकि बच्चों से रिलेटेड और भी वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो स्वर पढ़ो, क्या पढ़ना है बाबू को, स्वर। ओ, ओ ये क्या अक्षर है, ओ, ओ, ओ से मोर, तेज तेज बोलना, आ, आ आ से नहीं, आ से क्या होता है, आम, आम छोटी 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 बताओ ये क्या है, छोटी ई e?